आज तो ज्योति भाभी जरूर कुछ बोलेगी आपको। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, अभी मैं हूँ बोकारो में। पहुंचने के बाद ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज दोस्तों एक बोकारो में छोटा सा इवेंट है, एक मीटअप आप बोल सकते हैं। यहाँ पर एक CVS बोल के एक कैफे है जिसका ओपनिंग था, तो उसी में एज ए चीफ गेस्ट मैं इन्वाइटेड था। तो मैंने सोचा जब बोकारो जा ही रहे हैं रिबन काटने के लिए, क्यों ना अपने सब्सक्राइबर लोगों से, अपने फैमिली वालों से मिल लेते हैं। क्योंकि बहुत बार कमेंट आता था, मैसेजेस आता था कि बोकारो वाले जितने भी हैं ना, वो लोग बोलते थे आप बोकारो आते हैं लेकिन कभी बताते नहीं, मिलते नहीं। तो चलिए फाइनली आज बोकारो वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने स्टोरी डाला था, सुबह डाला था शायद या कल शाम को। तो देखते हैं 12 घंटे में कितना क्राउड हुआ होगा, कितने लोग आए होंगे। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले थे। चलिए जाकर के सबसे मिलते हैं, दिखाते हैं। ब्लॉग में आप लोग को देखने को भी मिलेगा, बने रहिए ब्लॉग पे। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने हैरी से। चलिए देखिए, सबको पता चल गया हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं। तो कार पे देखिए सबको, यार ये देखिए भाई, देखिए सीन। अभी यहाँ कार पार्क किए तो वहीं पे आ गया है सारा क्राउड। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं, सबसे वहाँ पे जाके मिलेंगे। सबको यहाँ शीशा ऐसा ठोकने लगता है, यही दिक्कत होने लगता है। इधर बोलता है कि यहीं पे पहले फोटो ले लेते हैं। देखिए इधर एक पुलिस वाला भी आ गया था। पुलिस, एक पुलिस था, जीप आया है पुलिस का दो। हाँ, जितने कार में है सब पहचान रहे हैं। यूट्यूब का फील्ड में तो भाई है ना, हम कोई लीडर नहीं है, नेता नहीं है, लेकिन हाँ यूट्यूबर तो है। इसमें तो प्राउडली हम बोल सकते हैं। क्या शेखर भैया, शेखर भैया बैठे हुए पूरा मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए इधर बाउंसर, देखिए आगे पीछे काफिला। ये एटीट्यूड नहीं है, इसको मोटिवेशन है कि मोटिवेशन लीजिएगा, ठीक है। बाउंसर भी आपके आगे पीछे घूमेंगे जब आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगे। उधर देखिए कार जो बाइक में है वो भी भैया बोल रहे हैं कि मनोज दे आंटी भी के लिए भाई। खाली इंस्टा स्टोरी से ऐसा आजकल हो जा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ स्टोरी मारे गाइस 12 घंटे के लिए, उतना में ही मतलब इतना क्राउड, वो भी एक छोटा सा शहर बोकारो। चलिए मनोज दा जिंदाबाद चिल्लाओ। जो नहीं जानता उसको भी जाना दो। मनोज बोल के कोई है, निकल जाए बाहर, निकल जाए बाहर। तुम निकल जाना, तुम निकल के बनाओ। ऊपर से देखिए, अभी सनरूफ से हेमंत दिखाएगा। अभी क्राउड देखिए खाली, इधर देखिए, इधर देखिए, चारों तरफ इधर देखिए इवेंट है। चलिए सबसे मिलते हैं। ये देखिए पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। चक्का जो आपका सिस्टम, ये झारखंड का सिस्टम, मनोज दे का सिस्टम। भाई रुक जाओ 5 मिनट, 5 मिनट सबसे मिलेंगे। 5 मिनट रुक जाओ भाई, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। सबको ही आ रहा ब्लॉग में, सबको ही। सभी कैसे हो? अनएक्सपेक्टेड नॉर्म भाई, सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी वाला था, मतलब सोचे नहीं इतना तबाही। ये है अपना झारखंड का सिस्टम। ज्योति भाभी जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं। जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत अच्छा लगा है, ज्यादा प्यार सपोर्ट आप लोगों ने देख करना, दिल हो जाता है गदगद। ये है झारखंड वालों का प्यार। देखना आराम से, तोड़ मत। ज्योति भाभी जिंदाबाद हल्ला हो रहा है। कोई मेंशन किया कि ज्योति भाभी को लेके आना तो लेके आते, कोई मेंशन नहीं किया। आप अपनी थैंक यू हेलो 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 सबसे बड़ा चार के जो एक्शन हो गया आपने प्लीज थोड़ा सा बोलो आप लोग आराम से लेने के लिए अच्छा मुझे टेंशन नहीं है सारे लोग आपके लिए इतना दूर से आए हुए इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं सभी आपके हमेशा हम डिले हो जाते उसके लिए सॉरी बट वेट होती है 4 बजे का टाइम 6 बजे। अच्छा मुझे एक सवाल करना था सारे लोग पूछ रहे थे कैसा लग रहा है आपको ग्राउंड लेवल से आसमान छूते हुए। ये तो मतलब कि क्या बोले एक सपने जैसा है मैं हमेशा बोलता हूँ कल लेकिन रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ जिसका मेरे पास फ्रंट में आ जाता है मैसेज आपके सामने से रिप्लाई करता हूँ। चैनल का नाम बोलना मेरे साथ हेमंत आया हुआ शेखर जी है बोकारो जिंदाबाद। बोकारो से कौन कौन है? बोकारो के बाहर से नहीं बहुत कोई है। वेस्ट बंगाल से कौन कौन है? बंगाल से भी बहुत कोई आए हुए हैं वो लोग हल्ला कर रहे थे बहुत कोई ये लोग बंगाल से है ना इसीलिए ना 12 घंटा पहले ही स्टोरी डाला क्योंकि ताकि बहुत दूर से कोई ना आ जाए। अमन कुमार चलिए थैंक यू सो मच जितने लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं एंड मेरा बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष रहेगा जो भी यूट्यूब पे अच्छा से काम कर रहे हैं देखिए उनके फोन पे कवर में भी यूट्यूब का लोग तो है उसके उसको छोड़ करके कोई नहीं है नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो अभी फैन में निकालता हूँ देखो एलवी यादव का कौन कौन फैन है देखो है ना तो सौरभ जोशी देखिए सौरभ जोशी का ब्लॉग देखिए तो मैं इसलिए ये चीज पूछ रहा हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बना है किसी ने कोर्स खरीदा था क्या कभी ऐसे ही बना ना वही चीज आपको भी सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो सीखना पड़ेगा जीरो से हर एक चीज सीखना पड़ेगा 5 साल से मेहनत कर रहे हैं किसी को हार नहीं मानना है कोई 2 साल से काम कर रहा है कोई 4 साल से काम कर रहा है मेरा भी तो 2-4 साल लग गया था यूट्यूब पे ग्रो करने में 3-4 चैनल डिलीट भी हुआ हार नहीं मानना है ना। संदीप माहेश्वरी सर से मिलकर कैसा लगा? वो तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था ना पूरे झारखंड से और कोई जा पाया क्या? नहीं ना जा पाया। वैल्यूबल कंटेंट बनाओगे तो वैल्यू मिलेगा बाकी आज के डेट में तो फॉलोवर कोई भी ले लेता है कमर हिला के भी फॉलोवर बन जाता है उसका वैल्यू नहीं है ना। ये देखिए गाइस बोकारो का क्राउड देखिए भाई साहब मजा आ गया क्या मस्त क्राउड भाई। तो भाई यहाँ पर बोकारो वालों का बहुत प्यार मिला बहुत ज्यादा क्राउड था देख सकते हो पूरा एरिया यहाँ पर भर चुका है और इतने मतलब अननोन पर्सन भी जो रोड क्रॉस कर रहे हैं वो लोग भी सोच रहे कौन है ये है यूट्यूब का पावर रिप्लाई नहीं करते। चलिए आ गया आप देख लेंगे ठीक है। तो अभी गाइस थोड़ा सा स्टेज से आकर के अंदर कैफे के अंदर में बैठे हुए हैं शेखर भाई के साथ और बाहर में देखिए बहुत भीड़ है सब कोई का कहना है कि कोई पूरा चैनल का नाम लीजिए आप 500 लोग होगा तो 500 चैनल का नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है फिर बहुत बार इंस्टाग्राम पर आप रिप्लाई नहीं करते हैं कैसे रिप्लाई करें पर ढीका 4-4 5-5 हजार मैसेज आता है बट कोई नहीं। और ये हमारे बाउंसर साहब बहुत मैनेजमेंट किया लोग अच्छे तरीके से एकदम और भीड़ बहुत ज्यादा हो गया था इतना ज्यादा क्राउड मतलब यूट्यूब पे जबकि मैंने नहीं डाला था ओनली इंस्टा स्टोरी था यूट्यूब पे डालते तो पता नहीं क्या होता पूरा झारखंड को यहीं पे इकट्ठा कर देता ये लोग शायद कोई नहीं अभी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाए लोग ठीक है जाएंगे Q&A सेशन करेंगे एक छोटा मोटा उसके बाद निकलेंगे। जल्दी फोकस करो ये कैफे की तरफ से कॉम्प्लीमेंट। चलिए, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। टेस्ट करते हैं। बोलिए। जाइए जाइए उधर जाइए। हट जाइए। आज तो ज्योति भाभी जरूर कुछ बोलेगी आपको। So guys, आप सबको जैसा कि पता है कि मैं आज आया था सीवीएस कैफे के ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, और बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड था। कैफे के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंटीरियर वगैरह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अगर आपको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, बाकी आप लोग पूरा को मेरे वीडियो में दिखाई देंगे। बाकी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह। और आप लोग बोकारो से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो प्लीज एक बार आइए, विजिट कीजिए, टेस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर फूड का टेस्ट किया, बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी का। आखिर के बार आप लोग रिव्यू कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। आज मेन्यू है भैया हमारे यहाँ से वैरायटी ऑफ टी एंड कॉफी मिल जाएंगी, बर्गर मिल जाएंगे, फ्राइड चिकन मिल जाएंगे। अभी जो हमारे यहाँ ओपनिंग में बर्गर पे ऑफर चल रहे हैं, buy 1 get 1। ये ऑफर लगातार आपके 3 मंथ तक चलेंगे। हर एक बर्गर पे buy 1 get 1 आप देख लीजिए। चलिए, तब तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, आपका खुद का खर्च गर्लफ्रेंड का फ्री मिल जाए, समझ रहे हैं। चलिए, एक में हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली वहाँ से निकल गए हैं। पीछे के रास्ते से भाग करके आना पड़ा क्योंकि इतना क्राउड था। अगर आगे से आते ना तो कोई आने ही नहीं देता। ठीक है, सब कोई बोल रहा था भैया सेल्फी लेना, सेल्फी आ रही। एक एक करके 1 by 1 सेल्फी लेने में पॉसिबल ही नहीं हो पाता, समझ रहे हो ना। अगर क्राउड के बीच में मैं चला जाऊँ तो भाई हम ही को दाब दूब को मार देगा भाई, ऐसा भीड़ हो जाता है। फिलहाल अभी पीछे के रास्ते से निकल करके होटल रूम में आ गए हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, यहाँ पर चाय कॉफी पियेंगे और निकलेंगे घर के लिए। ठीक है, टाइम भी ओवर हो रहा है। शेखर जी यहाँ पर है, राहुल भाई है, इधर अपना पूरा गैंग है। कैसा भीड़ था? बहुत खतरनाक। हम सोचते ज्यादा भीड़ नहीं हुआ कि हम लोग का स्टोरी डाले हुए शायद हमको लगता 12-13 घंटा हुआ था, तो हमको लगा जो दूर का ऑडियंस वो नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छा खासा दूर से भी बहुत कोई आ गया था, मतलब गजब जैसा सोचे नहीं। नेक्स्ट लेवल वो इवेंट वाला मजा फिर से एक बार दे दिया, फिर से मजा आया। और अच्छा मैनेजमेंट भी था, मैनेजमेंट अच्छा था। वो जो डिस्प्ले वगैरह लगाया था ना, वो एक नंबर लग रहा था। वहाँ पर मेरा वीडियो चल रहा था, वो सब देखने में सुंदर लग रहा था। चलिए फिलहाल अभी घर निकलेंगे।